राधे राधे मित्रों। तो बेसिकली आज हम लोग सफ़र तय करने वाले हैं बाजार समिति से NIT घाट तक का। भाई देखो, नॉर्मली पटना का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में चमचमाती सड़क और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आने लगती है, लेकिन पटना के कुछ क्षेत्र जैसे कि बाजार समिति में ऐसे सरे हुए सड़क को देखकर तुम्हारा विश्वास पटना शहर से उठ सकता है। देखो ये पटना शहर में बड़े बड़े लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, मेट्रो बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन पटना नगर निगम वाले इस बाजार समिति के लिए कम्प्लीटली अंधा हो चुके हैं। उसको इधर का कुछ दिखता ही नहीं है। खैर हटाओ भाई, जब पटना नगर निगम वाले ही अंधे हो चुके हैं तो हम भी अपना आँख बंद करके ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। NIT घाट जाने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना होता है PMCH। PMCH से कुछ दूर आगे पैदल चलने के बाद हमें टर्न लेना होता है, एंड टर्न लेने के बाद जो है हम लोग पहुंचते हैं बंसी घाट, और बंसी घाट से ही हमारा शुरू हो जाता है NIT घाट। हालांकि NIT घाट एक बहुत ही लंबा चौड़ा घाट है जिसको हम लोग गंगा घाट के नाम से भी जानते हैं। इस NIT घाट या फिर गंगा घाट में बहुत सारे घाट समाए हुए हैं। भाई देखो, NIT घाट के लिए तो बहुत सवेरे हॉस्टल से निकल चुके थे, लेकिन रूट के बदल जाने के कारण जो है यहाँ पे आते आते हमको लगभग बज गए हैं 5 के आसपास, 5 साढ़े 5 हो रहा होगा। और इससे पिछले बार लगभग 8 से 10 महीना पहले आए थे यहाँ पे, तो पानी पूरा सूखा हुआ था। और अभी जो है हम NIT घाट का एक भयावह रूप और एक रोमांचक रूप भी देखने वाले हैं। रेनु रेना जब कभी आप NIT घाट आते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे नाश्ता का दुकान भी है, और जहाँ तक कि आप देख पा रहे होगे कि आपको आज भीड़ नहीं दिख रही होगी, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल हमारी गंगा मैया जो है अपने बहुत ही भयावह रूप में है। भाई मैं तो गंगा मैया के इस भयावह रूप को देखते ही डर गया, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे थे जो गंगा मैया के किनारे बैठ के माता के इस भयावह रूप को भी बहुत ही प्रेम से और श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। Sari gama ma gari gama pa dani sari dani da dani da sari dani sari gari sari dani da sari gari sari gama ma gari gani re sari do pa na ta ri
भाई देखो, आज का प्लान तो था कि पूरे घाट को अच्छे से कवर किया जाए, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें होगी। पहला तो मेरा कैमरा स्टैंड टूट गया, एंड दूसरी बात कि एक घाट को दूसरी घाट से जोड़ने वाली एक सीढ़ी होती है जो भाई उस पर पानी पूरा का पूरा चढ़ा हुआ था, तो इस तरफ से उस तरफ मैं नहीं जा पाया और पूरी घाट को अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाया।